वेलकम टू योर फेवरेट नीट वन चैनल। बच्चों, आज ये वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी, बिकॉज दिस वीडियो विल टेल यू हाउ मच रिस्क यू शुड टेक एंड हाउ मच रिस्क यू शुड नॉट टेक व्हाइल अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अनुसार अलग अलग मार्किंग स्कीम दिया गया है सेक्शन ए सेक्शन बी में। मैं फटाफट से वेरी इजी वे में एक ही स्लाइड में फटाफट से समझा दूंगी आप लोगों को, बट लेट मी टेल यू सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में अलग अलग तरीके के मार्किंग स्कीम्स हैं। सो व्हाइल यू डू दिस टुक्का वाला सीन एंड व्हाइल यू डू दिस टेक दिस कैलकुलेटेड रिस्क वाला चीज, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे रिस्क लेना सही होगा, कहाँ पे लेना गलत होगा और कहाँ पे एक्चुअली आपको रिस्क लेना ही चाहिए। ठीक है, तो ये है स्निप आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का। मैंने खुद कुछ नहीं बनाया है, ये आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के लगभग पेज नंबर 16-17 में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लो। और लेट्स क्विकली मूव टू हमारा मार्किंग स्कीम्स। ठीक है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में अलग अलग होगा, बट ये दो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में सेम होगा। लेट मी टेल यू द फर्स्ट वन। अगर एनटीए ने ऐसा एक क्वेश्चन बना दिया जहां पे दो ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, दो ऑप्शन करेक्ट बोले तो मतलब ये ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है एंड बी भी करेक्ट है। ओके, बी भी करेक्ट है। और अगर आपने इनमें से किसी एक को टिक किया, बी को किया या ए को किया, इन दोनों में से कोई एक को टिक किया, क्योंकि हमारा ऑप्शन क्या है कि कोई एक को टिक करना है, दो को एक साथ कर दोगे तो आपका वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब जब वो मशीन के नीचे से पार होगा ना आपका पेपर, आपका OMR शीट, अगर दो ऑप्शन आपने टिक कर रखा हो या गोला भरा हो तो उसको क्या हो जाएगा, आपको वो कैंसिल हो जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इनमें से कोई एक को टिक करोगे, सॉरी गोला भरोगे OMR शीट में, राइट। अगर इन दोनों करेक्ट में से कोई एक का भी गोला आपने भर दिया तो आपको मिल जाएगा उसका पॉइंट, मतलब +4। ठीक है, ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। आपको लगेगा अरे दो करेक्ट है, ये मैं अटेम्प्ट करता ही नहीं हूं। नहीं, आप इनमें से कोई एक का गोला जरूर भरिए। एंड दिस इज ट्रू फॉर सेक्शन ए में भी सेक्शन बी में भी, ये रूल सेम है। आ जाओ नेक्स्ट में। अगर सारे ऑप्शंस करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ओके, ये सी भी करेक्ट है एंड डी भी करेक्ट है, तो जो बच्चा इसे अटेम्प्ट करेगा, कोई भी एक, मान लो सी को मैंने गोला भर दिया, कोई एक भरना है आपको, चारों के चारों नहीं भर देना, कैंसिल हो जाएगा, मशीन ही उसे नलीफाई कर देंगे। ठीक है, तो इनमें से कोई एक का गोला अगर आपने भर दिया, अटेम्प्ट आपने किया है, दोज हु हैव अटेम्प्टेड उनको मार्क्स मिलेगा सेक्शन ए में भी सेक्शन बी में भी। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे दोनों में से करेक्ट ऑप्शन कुछ भी आपने चुना हो आपको मार्क्स मिलेगा, इसमें से आपने अटेम्प्ट किया हो तो आपको मार्क मिलेगा क्योंकि चारों के चारों सही है। आ जाओ, अगर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, अगर नो ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब ए बी सी में से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो सेक्शन ए में जितने भी बच्चों ने नीट दिया है, सेक्शन ए का अगर ये क्वेश्चन है, मतलब सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस रहते हैं, 35 कंपलसरी होता है। कंपलसरी का मतलब ये नहीं कि 35 के 35 आप करो ही, आपको जो आता है आप वो करोगे, क्योंकि गलत मार्क कर देंगे आप तो -1 मिल जाता है, राइट। तो सेक्शन ए में जितने भी बच्चों ने जितने भी बच्चों ने अपीयर किया है नीट का एग्जाम, चाहे आपने इसे अटेम्प्ट किया हो नहीं अटेम्प्ट किया हो, डजंट मैटर, ये क्वेश्चन का मार्क सभी को मिल जाएगा। ठीक है, और सेक्शन बी में ये क्वेश्चन का मार्क उसी को मिलेगा जिसने इसे अटेम्प्ट किया है। ठीक है, क्योंकि सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस हैं, उसमें से सिर्फ 10 ही अटेम्प्ट करने हैं आपको। ठीक है, और अगर उन 10 में से ऐसा एक क्वेश्चन है जिनके चारों के चारों ऑप्शन गलत है पर उसको आपने अटेम्प्ट किया है, देन यू विल गेट मार्क्स। ठीक है, बस इसी वाले ऑप्शन में है थोड़ा सेक्शन ए और सेक्शन बी में गड़बड़ी बच्चों। तो रिस्क लेना है तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना, जान लेना कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में मार्किंग स्कीम कैसा है, एंड प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो ताकि ऐसा ही नौबत ही नहीं आए कि कोई क्वेश्चन देख के बड़ा ही कंफ्यूज हो जा रहे हैं। 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसा निकल ही आए जहां आप शॉर्ट एकदम कॉन्फिडेंट हो, तो वैसा प्रिपरेशन करो बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड नीट वन टीम तो हमेशा आपके साथ है। वी आर प्रोवाइडिंग यू मजेदार कॉन्टेंट फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। वी आर ऑलवेज देयर विथ यू, वी विल बी देयर विथ यू टिल द एंड। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे कंटेंट को कंज्यूम कीजिए, यू विल रियली बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट। एंड बच्चों लेट मी टेल यू, इसके साथ साथ मैंने और एक वीडियो अभी अपलोड करना है जिसके ऊपर मैं बताऊंगी किस तरीके से आप OMR को हैंडल करोगे, किस तरीके से आप गोला भरोगे, कौन सा बहुत ज्यादा एफिशिएंट तरीका होगा OMR को भरने का एंड फटाफट से कंप्लीट करने का। दिस वीडियो इज कमिंग नेक्स्ट, तो उसे भी जरूर देखना। एंड OMR शीट का PDF हमारे टेलीग्राम पे डला हुआ है, प्लीज उसे डाउनलोड करो, प्रिंट करो एंड क्वेश्चन का प्रैक्टिस, आप चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, क्वेश्चन का प्रैक्टिस OMR शीट में ही करो। ठीक है बच्चा, सी यू इन द क्लास देन टुमारो एट 2 PM। बाय।